हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मटर पनीर की। जी हाँ, मटर पनीर की रेसिपी के बारे में। दोस्तों, मटर पनीर कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं, ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे। शुरू से लेके लास्ट तक हम आपको बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे डालते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे सिर्फ बताने से नहीं आएगा, तो मैंने बोला कि क्यों ना हम बना के दिखाते हैं। और मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया कि मैं अपनी छोटी बहन को जब बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, क्यों ना ये मतलब मटर पनीर का जो रेसिपी है वो आपके साथ क्यों ना शेयर किया जाए। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया हुआ है। अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया है ताकि ये जो तेल है हमारे अच्छे से लो फ्लेम पे एकदम गर्म हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। आप लोग देख सकते हैं हम प्याज ऐड कर रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये जो है हमारा प्याज है, इसको मैंने थोड़ा बड़े पीस में काटा है। वो क्यों काटा है मैंने, वो आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। और दो लाल मिर्च है और चार हरी मिर्च है, एक अदरक का छोटा टुकड़ा है और ये लहसुन है। तो मैंने दो बड़े टमाटर को भी बड़े पीस में कट कर रखा है और आपको बताते हैं। मैं एक अदरक का छोटा टुकड़ा भी ऐड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं, मटर पनीर में ऐड नहीं करते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें लहसुन बहुत पसंद है, इसके लिए हम लहसुन को ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम थोड़ी देर इसको चलाएंगे, इसको हम तब तक हल्का सा फ्राई करेंगे, हाफ फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। ऐसा आप देखिए, ये हल्का सा प्याज जो है सुनहरा हो गया, तो हमने इसमें थोड़ा सा टमाटर ऐड कर दिया है। ये हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुका है, मैं इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि ये जो हमारा टमाटर है और प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और कलर कितना बढ़िया आया है, देख सकते हैं। मैंने एक मिक्सी के जार में इसको रख दिया है, अब इसको हम करेंगे ग्राइंड। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, कलर भी आ चुका है बहुत अच्छे से। एक बात का अफसोस है कि ये जो लाइट है हमारी किचन का, लाइट अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये हमारा तेल भी इधर गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। A few moments later. इसमें एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे। गाइस देखिए, इसको जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये जीरा, के बाद हम ये पेस्ट डालेंगे। चम्मच हम हल्दी ऐड करेंगे, एक बड़े चम्मच से हम गरम मसाला ऐड करेंगे और आधा चम्मच हम देगी मिर्च ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है और देगी मिर्च है, हल्दी है, वो अच्छे से मसाले में मिल जाए। आप लोग देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अभी तो ये भुना नहीं है, जब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ये जब तेल ऊपर आ जाएगा फ्राई होके, तब तो इसका कलर देखने के एकदम अमेजिंग लगेगा। तो गाइस, इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जो कि मसाला नीचे ना लगे। आप लोग देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आ रहा है, धीरे धीरे और भी अच्छा कलर आ रहा है। हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। साइड साइड से तेल छोड़ दिया, तो इसका मतलब समझ लीजिए आप फ्राई हो चुका है। तो हम इसमें ऐड करेंगे हरी मटर। तो गाइस, आप देख सकते हैं मटर मैंने डाल के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया है। गाइस, ये हमारा पनीर है, हम इसे अब छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो पनीर हमारा कट चुका है, तो अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो
दोस्तों देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए आप, हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं पसंद है तो इसके लिए हम ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। हमें ज़्यादा नहीं पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस इसे हम 5 से 7 मिनट तक के लिए इसको हम ढक देंगे ढक्कन से, जो कि ये अच्छे से हो जाए। और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, 2 से 3 बार चलाएंगे। 5 मिनट हो चुका है, एक बार हम इसे फिर चला देते हैं। तो गाइस आपको बता दें कि जो हमारा मटर पनीर है उस ये जो है ये घर के सामान में ही रेडी हो गया है। बहुत अच्छे से आपने देखा है, मैंने इसमें बहुत सारा सामान नहीं ऐड किया है। और जो हमारा तो कुछ लोग क्या होते हैं वो इसमें मक्खन ऐड कर देते हैं, बटर वगैरह, दूध, ये और काजू भी ऐड कर देते हैं। तो ये सब हम ऐड नहीं करते हैं, हम देसी तरीके से नॉर्मल तरीके से बना रहे हैं। क्योंकि अगर ये सब ऐड कर देते हैं तो ये मटर पनीर और शाही पनीर में कोई अंतर नहीं होगा। A few moments later, मटर पनीर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कटी हुई धनिया के पत्ते, आप लोग देख सकते हैं। हम ये हो चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बंद करो। तो दोस्तों हमारा ये प्लेट में निकाल के हम बिल्कुल भी रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। बिल्कुल स्पाइसी, मन तो कर रहा है अभी इसको खा ले। अभी पराठा नहीं बना है तो जब बनेगा तब मैं इसको खाऊंगी। लग रहा है ना दोस्तों बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे कैसा बना है, कैसा लग रहा है। और आप लोग ऐसे ही बनाते हैं या कोई और तरीके से बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आप लोग को मेरा तो गाइस मटर पनीर हमारा बन गया। ये छोटी बहन जो है मेरी ये कुछ बोलना चाहती है आपसे, बोलो। हेलो गाइस, फाइनली हमने मटर पनीर बनाना सीख ही लिया है। दी बनाती हैं बहुत अच्छा, मुझे बनाना नहीं आता था। तो गाइस नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे, हमको बनाना नहीं आता था। तो गाइस आपने देखा कि वो जो है कैमरे के सामने नहीं बोल पा रही थी। थोड़ा कैमरे के सामने आने का मतलब थोड़ा अंदर ही हेजिटेशन होता है, मेरे अंदर भी है, वो सबके अंदर होता है। तो गाइस मुझे लगता है कि बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता होगा, तो उसके लिए दिल से सॉरी। तो आप देख सकते हैं गर्मी बहुत है। अगर आपको हमारा मटर पनीर का रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, आप लोग कैसे बनाते हैं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और एक बात और, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय।